अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास इज 7 एंड द सब्जेक्ट इज मैथ्स। टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आपने एडिशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। ये डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी इट्स मीन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसके लिए आपके पास दो रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे पी बाय फर्स्ट इज पी बाय क्यू प्लस सेकेंड इज आर बाय एस। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में यह है कि पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस सेकेंड नंबर पे आपके पास इज इक्वल के राइट साइड पे आपके पास क्या है कि आपके पास पोजीशंस चेंज हुई हैं इनकी। ठीक है, आपके पास पहले पी बाई क्यू था, यहाँ पर आप देखिए सेकेंड नंबर पे पी बाई क्यू चला गया एंड आर बाई एस जो आपका सेकेंड पे था इज इक्वल के दूसरी साइड पे आपके पास आर बाई एस फर्स्ट पे आ गया। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, क्यू एंड एस आपके पास आ जाएगा, क्यू विद मल्टीप्लाई आपके पास क्यू एस, आपके पास फर्स्ट जो आपके पास न्यूमिनेटर होगा वो मल्टीप्लाई होगा एस के साथ, तो आपके पास बन जाएगा पी एस प्लस, और सेकेंड आपके पास न्यूमिनेटर होगा आर जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा विद क्यू। तो आपके पास पी एस यानी पी मल्टीप्लाई बाय एस प्लस आर मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय एस। लेफ्ट आपके पास इस इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा कि आर जो है आपके पास न्यूमिनेटर है, एस जो है वो डिनोमिनेटर है, एस एंड क्यू जो है इस पूरे रैशनल नंबर के सम का जो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास एस डिनोमिनेटर में भी है और आपके पास यहाँ पर भी एस डिनोमिनेटर, तो आपने आर को मल्टीप्लाई करना है विद क्यू एंड क्यू पी को आपने मल्टीप्लाई करना है विद एस। तो अब आप यहाँ पर देखें सिर्फ दोनों की क्या है प्लेसेस चेंज हुई हैं, बाकी वही टर्म्स है, जैसे पी मल्टीप्लाई बाय एस यहाँ पर भी पी मल्टीप्लाई बाय एस है और आर मल्टीप्लाई विद क्यू एंड आर मल्टीप्लाई विद क्यू। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आपके पास है दो रैशनल नंबर्स हैं पी बाई क्यू मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई एस, और इसी तरह आपके पास है आर बाई एस मल्टीप्लाई पी बाई क्यू, दो आपके पास प्लेसेस चेंज है, बाकी रैशनल नंबर सेम एज इट इज़ है। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, मल्टीप्लीकेशन दोनों न्यूमिनेटर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दो डिनोमिनेटर जो हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे पी मल्टीप्लाई बाई आर एंड क्यू मल्टीप्लाई विद एस। सिमिलरली आर मल्टीप्लाई बाई पी इज इक्वल पी मल्टीप्लाई बाई आर एंड एस मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई एस, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, प्रूव डैट पार्ट 1 इज -1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल 1/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -1/2। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, आपके पास -1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल 1/3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -1/2। अब आपके पास क्या है कि आपने ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, -1/2 एज इट इज प्लस 1/3 इज इक्वल 1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने विद द हेल्प ऑफ दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको यूज करते हुए आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, दो रैशनल नंबर है 1/2 एंड 1/3, तो 2 एंड 3 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई विद 3 एंड इन प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, आपके पास हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस है तो -3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस, तो आपके पास ये 2 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है 3 मल्टीप्लाई विथ 2, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 3, तो आपके पास 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो डिनोमिनेटर आपके पास दोनों साइड्स पर इक्वल आ रहे हैं, तो आप यहां पर -3 प्लस 1 इट्स मीन आपने 3 में से जो आपने माइनस करना है वो 2 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल
टू माइनस थ्री, तो आपके पास बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो माइनस है, इसलिए आपके पास माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूफ, यही क्वेश्चन था कि आपने इसको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम लेना है, देन आपने इनके आंसर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव्ड करना है। ये थी विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर को हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपके पास है 12 by -105 मल्टीप्लाई -15 divided by 84 = -15 divided by 84 मल्टीप्लाई 12 divided by -105। आप यहां पर देखें कि इनकी प्लेसेस चेंज है, अगर यहां पर फर्स्ट रैशनल नंबर इज 12 एंड माइनस 105 है, तो यहाँ पर जो सेकंड रैशनल नंबर है वो है, और आपके पास माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो आपके पास है फर्स्ट रैशनल सेकंड रैशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड पे यही आपका फर्स्ट रैशनल नंबर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम कटिंग करेंगे ये आपकी क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे 12 ones are 12, 12 sevens are 84 and 15 ones are 15, 15 sevens are 105, similarly 15 ones are 15 and 15 का टेबल आपने 7 टाइम पढ़ना है, और इसी तरह 12 ones are 12 and 12 sevens are 84। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स आएंगी, 1 multiply with 1 and 7 multiply with 7, माइनस आपके पास ये रिमेनिंग होगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस वन के साथ रिमेनिंग होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे -1 divided by 7 multiply 1 divided by -7। अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास ये माइनस है, ये आपके पास है फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपके पास -7 यहाँ है, इट्स मीन ये माइनस जो है ये पूरी फ्रैक्शन के साथ माइनस आएगा। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं -1 divided by 7 या -1 by 7। तो इसी तरह ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो गए, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो गए, तो 1 ones are 1 and 7 sevens are 49, 1 ones are 1 and 7 sevens are 49, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपके पास प्रूव्ड हो गया। यही क्वेश्चन था विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दो रैशनल नंबर को आपने किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।